अस्त्र को अस्त्र भोजनों को जगाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। भोजनों को जगाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? ये जो आप संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपको क्रांतिकारी जय भीम जय भारत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप यहाँ पे कवरेज करने आए हैं। सम्मानित साथियों, हमारे भीम आर्मी के चीफ माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने मध्य प्रदेश की धरती से आगाज़ किया था कि भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में ही भारतीय संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। उन्हीं के आदेश की पालना करते हुए हम जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान बचाओ यात्रा ये निकाल रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम भारतीय संविधान का लोगों को ज्ञान देंगे और जो हमारे समाज के लोगों को अभी तक भारतीय संविधान का नॉलेज नहीं है, हमारी साथियों पढ़ना तो दूर की बात, उन्होंने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन देखा भी नहीं है और कुछ शरारती लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलना है। तो हमारा सिर्फ इतना सा प्रयास है कि गाँव शहर शहर जाके अपने लोगों के बीच जाकर, क्योंकि रात को हमारा एक कैडर होता है, हमारी लीगल सेल की टीम वहाँ पे संविधान की जानकारी उनको देती है, तो जहाँ पे भी हमारा स्टे होता है हम लोगों को भारतीय संविधान का ज्ञान देते हैं। तो ये अवेयरनेस एक यात्रा है, इस पर कोई पॉलिटिकल कोई भी स्टैंड हमारा नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक लोगों को अवेयर करने का, भारत के संविधान के प्रति अवेयर करने का है। जिस संविधान से जज वकील प्रोफेसर बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, वो ये इसी संविधान की बदौलत ही बनते हैं। और कुछ प्रचारक जो हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा और देश का संविधान जो बदला जाएगा, हम उनको कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और भारतीय संविधान की सुरक्षा करने के लिए ये सारे के सारे जो लोग हैं, मिशनरी हैं, अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं और ये सारे के सारे आज प्रण ले रखे हैं कि हम 9 दिन की यात्रा जो कठुआ से शुरू हुई थी, पहला स्टे रामगढ़ में था, दूसरा आरसपुरा में, तीसरा अखनूर में, चौथा हमारा नौशहरा में है, तीसरा हमारा रजौरी में है, फिर रियासी में, उधमपुर में, बिलावर में और जो लास्ट में हमारी कंक्लूड होगी यात्रा ये होगी महानपुर के अंदर। तो यहाँ पे पीछे बिश्नाह में हमारे अंबेडकर युवा संगठन के साथियों ने योगदान दिया है, वहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी वहाँ पर रखा था, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आगे की ये यात्रा है, मैं साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा है, हमारे कुछ साथी हमें आगे तक छोड़ के जा रहे हैं, कुछ हमें रिसीव कर रहे हैं, जितना उनका समय है वो इस यात्रा को योगदान दे रहे हैं। तो जो जो साथी भारतीय संविधान में अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है, एकता का परिचय देना चाहता है, अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है, तो वो अपना समय निकाल कर इस भारतीय संविधान की यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे J&K में अभी रिजर्वेशन नहीं मिल रही बहुजनों को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, रिजर्वेशन भी हमारी बाबा साहब के द्वारा संविधान में ही हमारे सारे राइट हैं। अगर संविधान की अवेयरनेस, यही तो अवेयरनेस है कि हमारे राइट क्या क्या हैं संविधान के अंदर, जो हमसे सीने जा रहे हैं षड्यंत्र के तहत। तो ये जो बाबा साहब ने कहा था कि जब संविधान सुरक्षित हाथों में होगा तो संविधान सुरक्षित होगा और ये अच्छा साबित होगा। अब आप देख लीजिए कि बड़े बड़े ये इनके नेता भी और प्रचारक भी ये बयान देते हैं कि संविधान को बदला जाएगा, जब संविधान को ही बदल दिया तो हमारे जो रिजर्वेशन है, जहाँ हमारे हक अधिकार हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अभी आप बिश्नाह में हैं, बिश्नाह के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम बिश्नाह के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ से गुजरे हैं, आपके जितने भी सगे संबंधी सज्जन मित्र आगे हमें आरसपुरा में मिल सकते हैं, तो वो आपकी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। तो मेरी विनती है कि आप सारे अपना कीमती समय, जितना भी आपके पास है, आधे घंटे का है, 5 घंटे का है, 1 दिन का है, जितना भी है, क्योंकि इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। आपको इस संविधान की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं 2 लाइनें यहाँ पर लिखी हैं कि वो संविधान बदलन दी चाल चल देने, असी दुश्मन दे उत्ते बिजली वांगू गिरना चाहते हैं, असी फैन हाँ बाबा साहब दे, कुछ समाज लिए करना चाहते हैं, कुछ समाज लिए करना चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम